Bikes and More present. Custom number plate design part 2. Hello friend, welcome back to our channel. My name is Jay and you are watching Bikes and More. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का वीडियो है कस्टम नंबर प्लेट डिजाइन पार्ट 2 और पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कस्टम फ्रेम डिजाइन एंड एलईडी स्ट्रिप लाइट इंस्टॉलेशन और पार्ट 1 वीडियो में आपको दिया हुआ है क्या-क्या मटेरियल्स चाहिए इसके लिए। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा यहां पे, तो इस लिंक को क्लिक कीजिए तो आपको पार्ट 1 वीडियो भी मिल जाएगा। और इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको एक कस्टम नंबर प्लेट फ्रेम और एक चाहिए आपका स्ट्राइप लाइट, फ्लेक्सिबल स्ट्राइप लाइट और चाहिए आपको कुछ एक्स्ट्रा वायर लाइक दिस। तो ये सब मटेरियल आपको कहां से खरीदना है तो इस पूरा वीडियो दिया हुआ है पार्ट 1 पे, तो पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख लीजिए। फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन। और इस वीडियो को बनाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हम लोग ने फेस किया है और वो है आपका जो नंबर प्लेट फ्रेम मैंने लिया था वो है आपका परमानेंट और फिक्स्ड। तो इसको कैसे मैंने किया है वो आप इस वीडियो में नहीं देख सकते हो, तो मेल कीजिए मुझे, मैं कैसे इसको फिक्स्ड किया है वो डिटेल्स आपको मैं बोल दूंगा। और मार्केट में आपको अनफिक्स्ड वाला भी मिल जाएगा तो वो भी आप खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए तो आपको दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल एलईडी स्ट्राइप लाइट को इंस्टॉल करने के लिए आपका जो सीट है उसको निकालना पड़ेगा और आपका जो टेल लाइट का वायरिंग है उसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। और ये जो वायर है ये मार्केट में आपको मिल जाएगा और अगर आपको मार्केट में नहीं मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, तो वहां से आप खरीद लीजिए इसको। पहले आपका जो स्ट्राइप लाइट है उसका जो वायर है उसको अलग कर लीजिए और उसके बाद उसका जो टेप है उस टेप को निकाल लीजिए तो आपका जो ग्लू वाला पार्ट है वो आ जाएगा और उसके बाद उसको आपका जो फ्रेम है उसमें इंस्टॉल कर लीजिए। और आप यहां पे देख सकते हो इसका जो वायर वाला पार्ट है वो मैं लेफ्ट तरफ रख रहा हूं, आप चाहे तो राइट तरफ भी रख सकते हो। तो इसको अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लीजिए तो ये परमानेंटली आपका जो फ्रेम है उसके साथ सेट हो जाएगा। और अब आपका जो एक्स्ट्रा वायर है उसके साथ आपका जो एलईडी लाइट का वायर है उसको अच्छे तरीके से जोड़ लीजिए। और यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एलईडी लाइट का वायर है उसका कलर और आपका जो एक्स्ट्रा वायर है उसका कलर सेम रखिए, यहां पे आपको सेम कलर ही मिल जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से टेप से जोड़ लीजिए तो इसे सेफली अटैच हो जाएगा। अगर आप एलईडी स्ट्राइप लाइट की वायरिंग की बात करें तो यहां पे आपको कोई भी वायरिंग डायग्राम नहीं मिलेगा, तो आपको नेट से इसको अरेंज करना पड़ेगा। मैंने नेट से निकाला था इसका जो वायरिंग डिटेल्स है और इसके साथ मेरा जो लाइट का वायरिंग है वो मैच नहीं कर रहा था तो मैंने इसको खुद से अरेंज किया है। आप यहां पे इस वीडियो में देख सकते हो मैंने कैसे काम किया है। अगर आप मार्केट के नीचे देखें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा होल मिलेगा, वहां से आप आपका जो वायर है उसको इंसर्ट कर लीजिए। तो ऐसे ही एक-एक करके सारे वायर को जोड़ लीजिए और कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। यहां पे आपको कंप्लीट वायरिंग डायग्राम मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोगों को मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।
LED flexible stripe light wiring diagram। और अगर आप टेल लाइट की वायरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लग्स मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो में। और इसमें से आपका जो 2 पिन वाला प्लग है उसमें आपका जो रेड वाला वायर है वो है आपका ब्रेक, और आपका जो ग्रीन वाला वायर है वो है आपका रनिंग लाइट। तो अच्छी तरह से इन दोनों वायर को आपका जो प्लग है उसमें इंसर्ट कर लीजिए और एक बार टेस्ट करके देख लीजिए आपका जो लाइट है वो जल रहा है या नहीं। और यहाँ पे आपको और एक सिंगल पिन वाला प्लग मिलेगा, उसमें आपका जो ब्लैक वायर है लाइट का उसको एज ए ग्राउंड उसमें इंसर्ट कर लीजिए। और फाइनली यहाँ पे आपको और एक 4 पिन वाला प्लग मिलेगा, तो उसमें आपका जो एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट का जो येलो वाला वायर है वो है आपका लेफ्ट टर्न, और आपका जो ब्लू वाला वायर है वो है आपका राइट टर्न। और यहाँ पे आपको ऑरेंज के साथ येलो को और ब्लू के साथ ब्लू को अटैच करना है। और फाइनली इसको एक बार चेक कर लीजिए। इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। और ये है आपका वायरिंग डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपका एलईडी लाइट का पोजीशन। मैंने लेफ्ट तरफ रखा था तो इसलिए मेरा जो डायग्राम है एलईडी लाइट का टर्निंग का वो थोड़ा चेंजेस है। अगर आप राइट तरफ रखते हो तो आपका भी वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जस्ट इसको घुमा दीजिए तो हो जाएगा पकम। आपको वायरिंग को हाइड करने के लिए चाहिए एक ब्लैक टेप और एक क्लीन डस्टर। आपको जिस एरिया पे ब्लैक टेप यूज़ करना है उस एरिया को अच्छी तरह से डस्टर से क्लीन कर लीजिए, और ब्लैक टेप यूज़ करके इसको परफेक्टली हाइड कर लीजिए। और मैंने पार्ट वन वीडियो में बोला था इसको भिंडे से डेकोरेट करूँगा, तो उसके बाद मैंने जब इसको कंप्लीट किया तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ इसके अगर भिंडे से डेकोरेट करें तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हो ब्लैक फिनिश ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको ब्लैक रखा है। अगर आप चाहते हो तो इसको भिंडे से डेकोरेट भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लुक्स है नंबर प्लेट के ऊपर वो बहुत ही यूनिक है और ग्रेट डिज़ाइन है, और ये आपके नंबर प्लेट के ऊपर परफेक्टली फिट भी होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।